और तो पास तो मोदी के दिए, लेकिन इस बार मायावती के दे रहे हैं हम लोग। मायावती को दे रहे हैं इस बार? हाँ, इस बार मायावती के सरकार नहीं ठीक दिखा रही है उनका। पहले मोदी को दिया था? पहले मोदी के दिए। मोदी जी को नहीं दोगे दोबारा? अरे कैसे देगा, हम लोग संतुष्ट नहीं है भाई, हमारा लोग का किसानों का धान फसल सड़ रही है सब, हैं कैसे देंगे बताए। हम लोग 30 कुंटल बनाए संतुष्ट है ना, एक बार तो 60 कुंटल दिए तो भाग के चलिए। बच्चों को नौकरी मिली आपके? कोई नहीं नौकरी मिली आज तक, कोई नहीं मिली नौकरी जब से इनका सरकार आया, कहाँ नौकरी मिला? कोई नौकरी नहीं मिला। पढ़ाई भी खत्म हो रहा है लड़कों का, पढ़ाई भी लड़कों का अनपढ़ हो रहे हैं सब। हालात खराब है? हालत ही खराब है, अगर अच्छा नहीं कार्य करेगा तो हालत खराब होगा। उम्मीद है जीतेंगे? उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। बीजेपी कह रही मंदिर उंदिर बनवा रहे हैं? अब पता नहीं, हम तो देख नहीं रहे, झूठा मूठा का बोल रहे हैं, क्या जाने बन रही है या कि नहीं बन रही है। इसको दोगे वोट इस बार? बहन मायावती जी की? मायावती को? हाँ हाँ, मायावती की। क्यों दोगे मायावती को? हाँ मायावती की जी हाँ, उनको बहन मायावती को देना है वोट। हाँ, बीएसपी के लिए आना है, क्योंकि चौथा बार राज कर चुकी है, पांचवा बार फिर लाना है उसको। उसको शासन काल में गरीब बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छे नहीं है? है अच्छे, मैं गुंडागर्दी वगैरह सब हो जाती है। हाँ, इसीलिए हमको बहन को देना है वोट। मायावती को? मायावती को। हाँ, ये योगी बाबा कैसा काम कर रहे हैं? खैर ठीक कर रहे हैं, उनकी कुछ संस्कार और है, माया को संस्कार और था। अच्छा, उनकी संस्कार कुछ और है, माया संस्कार कुछ और था। उसने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही गुंडा बाकाया साले देश छोड़ देंगे, आप फिर बिल घुस जाएंगे। वही संस्कार चल रही है, बोलिए हम हमारी जनता मर रही है बहन के ऊपर। ये तो योगी बाबा भी कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, करेंगे भाई, सभी कैंडिडेट को कहते हैं। अरे गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर? भाग गए हैं, गुंडे को विनाश किया, मगर परिया सबका संस्कार अलग अलग है। हाँ यही बात, अलग अलग है। हाँ सबका संस्कार अलग अलग है। उम्मीद है जीत जाएंगे मायावती से? हो सकता है जीत जाए, उसके लक्ष्य अच्छे दिखा रही है। आगरा में भी, आपके प्रयागराज में भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा चल रहा है। अच्छा है माहौल? हाँ हाँ, माहौल अच्छा है। हाँ मान जी का माहौल अच्छा है। ये पांचवा बार बनने जा रही है? पांच बार बनने जा रही है? हाँ बनने जा रही है। पक्का? पक्का भाई, पांचवा बार बनने जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम मरेंगे? अखिलेश तो है सिटी में है, अखिलेश तो सिटी में है। हाँ हाँ, सिटी में है। मायावती? मायावती तो सिटी के अगल बगल चारों तरफ है। चारों तरफ? चारों तरफ है। अखिलेश का कैसा रहता है शासन? नजर है ना, बता दिया आपको, सिटी में है अखिलेश, जैसे हमारे मिर्जापुर में लड़ाई सिटी में है, और देहात साइड में तो यही बहन मायावती जी है। मायावती जी? हाँ जी। आप बताइए कैसे परेशान सर आप? क्या इसको दे रहे हो वोट? बहन जी को? बहन जी को? हाँ। क्यों दे रहे हो बहन जी? बहन जी ऐसा काम करती है इसलिए दे रहे हैं। अच्छा काम करते हैं? हाँ हाँ, बढ़िया काम करते। योगी नहीं कर रहे काम? योगी क्या कर रहे हैं? योगी कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा भाई, ताऊ जी किसको दे रहे हो वोट इस बार? क्या कहा? वोट किसको दे रहे हो वोट? हाथी को। हाथी को? हाँ। क्यों? अरे किसानों का धान नहीं बिक रहा है, परेशान है हम लोग। पर योगी कह रहे खरीद हो रही है? अरे खरीद हो रहा है, 30 कुंटल पर संतुष्ट हम लोग नहीं है ना, जहाँ के 200-400 कुंटल हम, 200-400 कुंटल हमारे पैदा हुए, हम 30 कुंटल पर कैसे संतुष्ट हो? हमारा लोग किसान धान सब सड़ रहा है, कहते हैं किसान को दे लिया है लाभ, किसानों का ही लाभ है कि सड़ रहा है धान हमारा, तो नहीं हुई खरीद? खरीद हो रहा है, 30 कुंटल ले रहे हैं, 30 कुंटल में कैसे मैं एक किसान के 30 कुंटल जो कि 200 कुंटल पैदा हो रहा है, 30 कुंटल में कैसे संतुष्ट होगा? तो बाकी जो बचा हुआ उसको कहाँ? उसके कहाँ है? वह बनियों तो नहीं ले रहे हैं, 13 में मांग रहे हैं। योगी जी ठीक नहीं कर रहे काम? योगी जी ठीक नहीं कर रहे काम? अब ठीक क्या कर रहे हैं बताइए, हमारे लोग किसानों का यही फसल है, सड़ रहा है, 30 कुंटल ले रहे हैं, 30 कुंटल पर हम कैसे किसान संतुष्ट रहे? मायावती सरकार में दिया? मायावती की सरकार में बिकता था, अब नहीं बिक रहा? अब नहीं बिक रहा है, बिक रहा है 13 रुपया किलो बिक रहा है। और क्या समस्या है? और समस्या क्या है, हमारे बांध है जो बाद में पानी है नदी में बह रहा है, कोई बांधने वाला नहीं है, गंगा नहर हमारी यहाँ सूखी हुई है, पड़ी हुई है, फसल सब झूर हो रहे हैं। पानी की दिक्कत है? पानी की भी दिक्कत है, हमारे 2 बांध है, पंप नहर है वो खाली है, झूर है, और बंधा में पानी है, सब नदी में चला जा रहा है।
सब नदी में चला जाए। हाँ, कोई देखभाल करने वाला आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन किसानों को कोई जानता ही नहीं है। पानी रहेगा तभी ना धान उपजाएगा, गेहूँ उपजाएंगे, वो तो नदी में बह रहा है सब। इस बार मन किसको है वोट देने कि तुम गुजरात के रहने वाले हो, कपड़ा पहनाने हमने सिखाया हूँ, ठीक है, कपड़ा पहनाने हमने सिखाया हूँ तुम्हें, रास्ता दिखाने लिए हम लिखे हैं। और आपने तो मोदी को वोट दिया, तो देखे दिए भाई, क्यों बेवकूफ बनाया था आपको ना कि आप दो फैक्ट्री देंगे, ऐसा देंगे, लेकिन बदलाव भी जरूरी है, बदलाव इसको बदलेंगे कभी नहीं आएगा, कभी जीवन में नहीं आएगा जी। आप बताइए। हाँ सर बोलिए। काम कैसा चल रहा है? काम नहीं चल रहा है सर, हाँ एकदम काम खत्म। कैसे चल रही है? हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, बीएसपी की सरकार बने, हम लोग को अच्छे रोजगार मिले, अच्छे शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। बीएसपी में मिलते हैं? हाँ बीएसपी में मिलता है हम लोग। बीजेपी में नहीं मिलता है? बीजेपी में कुछ नहीं मिलता है, क्या मिलता है बीजेपी में? साल साल दो दो साल लॉकडाउन लगा है, बच्चे घर में बैठे, कोई पढ़ाई नहीं करा, किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को शिक्षा नहीं मिला, क्या करेंगे कोई यहाँ पर? किस इस सरकार से क्या मतलब मिल रहा है हमको? मोदी बोलते हैं 18 घंटे हम काम करें, वो 1 घंटे फर्से चलाएंगे यहाँ पे आके, कौन से काम कर रहे हैं मोदी 18 घंटे में? देखिए मीटिंग करते हैं। अरे मीटिंग करते हैं तो मीटिंग से हम लोग को क्या फायदा हो रहा है उसमें? केवल मीटिंग करते हैं, महंगाई के लिए मीटिंग करते हैं। इस सरकार से जनता कोई कोई जनता को फायदा नहीं, तो जनता खुश हुई कोई? तो वोट कैसे मिल रहा है बीजेपी के? तो जुमलेबाजी है, मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि मतलब अच्छा काम कर रही है बीजेपी, इसको मतलब वोट दिए इसलिए मतलब बीजेपी जीत गई थी, अगले बार ईवीएम में कमी की थी इसलिए जीत गई थी, अब इस बार उसको समझ में आएगी। कमियों को नहीं दिखाते क्या हम लोग? अगर हम लोग की जनसभा होती है तो मीडिया वाले नहीं दिखाते कहीं, उनकी जनसभा होती है तो उनको दिखाते, अगर उसके जनसभा में अगर 10,000 जाएंगे तो 10 लाख बताएंगे, अगर हमारे यहाँ अगर 1 लाख आएंगे तो नहीं बताएंगे 1 लाख यहाँ जनसभा हुई है, नहीं दिखाते, नहीं मीडिया वाले नहीं दिखाते। मीडिया वाले पता नहीं क्यों करते हैं, मीडिया वालों खरीदा गया है लगता है, जैसे मीडिया वाले जनसभा दिखाते ही नहीं है तो क्या माने कोई? नहीं दिखाते ना, नहीं दिखाया जाता भी लगातार कहते हैं मीडिया जातिवादी है। बहन जी तो मीडिया के पास कभी जाते ही नहीं है, और मोदी योगी तो हमेशा मीडिया के पास जाती हैं। तो इस बार बहन जी की लहर है? हाँ इस बार बहन जी आ रही हैं, पूरी पूर्व बहुमत से आ रही है, पूरी एकदम सत्ता सरकार, हाँ पूर्व बहुमत से आ रही है। कुल मिला के बीजेपी सरकार ना आए बस, बाकी चाहे कोई आए, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए बस, कोई भी सरकार आए लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, बदलाव जरूरी है, चेंजिंग जरूरी है, बीजेपी नहीं चाहिए बस, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहिए। कहाँ हाथ उठाओ?